तूफान है एकदम, देख रहा हूँ। इधर से मुक्तिनाथ 3 किलोमीटर दूर है बस, और बहुत खुशी हो रही है। उसमें मुक्तिनाथ पहुंच गया और इधर होटल ले लिया। ऐसा होटल है, 1000 रुपये नेपाली। तो 6 बजे तक मंदिर खुलेगा, तो इधर थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, फिर जाता हूँ। रात में तो यहीं रुकना पड़ेगा, थक भी गया हूँ, तो चलो फ्रेश हो लेता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी मैंने इधर खड़ी कर दी है, होटल से फ्रेश हो के आ गया। अब भी जाऊँगा मैं इधर मुक्तिनाथ धाम। इधर से सीढ़ियाँ हैं, तो इधर से चढ़ाई शुरू करता हूँ, क्योंकि मंदिर 6 बजे बंद हो जाता है। तो अभी 3:30 बजे तो पहुँच जाऊँगा, तो दर्शन हो जाएंगे। देखिए ये गेट है, जय मुक्तिनाथ। बनारस से, बनारस सबके साथ। तो बाबा जी पूछ रहे थे कहाँ से आए, मतलब काशी विश्वनाथ। तो दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ाई करनी है, 15 मिनट का रास्ता है। और व्यू देखो आप, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं मुक्तिनाथ जी के लिए। तो चलता हूँ, सांस फूलने लगी। दोस्तों तो मुक्तिनाथ जी की कृपा से पहुंच चुका हूँ। ये देखिए मंदिर, हम इसमें एंटर कर रहा हूँ। इधर कुछ जानकारी है मंदिर के बारे में, सांस फूल की दोस्तों। और ये प्रेयर का है कुछ, तो दोस्तों अभी मंदिर आ गए। और ये गेट है, इधर कुछ दुकान है पूजा का सामान वगैरह लेने के लिए। तो अभी अपन को ऊपर जाना है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आएंगे तो जाएंगे जरूर, तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। भगवान ने बुलाया है तो जाना ही है। ये वृक्षारोपण क्षेत्र, इधर पेड़ वेड़ लगाए गए, ऊपर का व्यू देखिए आप, क्या मस्त व्यू है। जो लोग चढ़ के नहीं आ पाते उनके लिए पालकी की व्यवस्था है। ये देखिए मंदिर की तरफ जा रहे हैं, छोटे मोटे कई मंदिर भी हैं इधर। दोस्तों ऊपर मंदिर है, ये देखिए ऐसे, ये रास्ता सीधा रास्ता है, उधर से आना, कहीं रुकना नहीं है। घूमने के लिए आजू बाजू में थोड़ी जगह है, छोटे छोटे मंदिर हैं, उधर भी तो मंदिर बने हुए छोटे। तो अब ऊपर जाके भगवान के दर्शन करते हैं, ऊपर से दिखा दूँ आपको व्यू कैसा है। दोस्तों ये मंदिर है, आप देख रहे हो, ये मंदिर है मुक्तिनाथ जी का मंदिर है ये। और इधर देख रहे हो, ये दो कुंड है, पाप का पुण्य का, इसमें नहाना है। एक कुंड में 3 बार नहाना है, एक कुंड में 1 बार, और उसके बाद जाके दर्शन करने। और इधर ये 108 धारा है, सारी नदियों से निकल रही है, ऐसा बोलते हैं। इधर ये देखिए, ये 108 धारा है। तो मैं भी इधर से थोड़ा पानी लूँगा और अपने ऊपर चीज़ा मार लेता हूँ, नहाऊंगा तो नहीं। तो दोस्तों इधर से थोड़ा पानी लेता हूँ मैं भी घर के लिए और अपने दोस्तों के लिए। इधर से बोलते हैं ये, इससे स्नान करने से
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान विष्णु का मंदिर है ये देखिए ये मंदिर है। तो पहले थोड़ा ये पानी से स्नान करके फिर मंदिर में दर्शन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मंदिर। दोस्तों घर के लिए थोड़ा पानी ले लिया मैंने 108 धाराओं का, और थोड़ा अपना ऊपर स्नान भी कर लिया। अब जाना है मंदिर में। मंदिर में जाने से पहले ये देख लें ये क्या है, पानी इतना ठंडा ना, इतना ठंडा पानी था हाथ सुन पड़ गए। अब दोस्तों मंदिर के अंदर जाता हूँ, अंदर फोटोग्राफी करना तो अलाउ नहीं होगा, इधर से दिखाता हूँ मंदिर आपको। सामने मंदिर है जूम करके देखिए, ये पूरा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है इधर ये देखिए। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करके आता हूँ, भगवान की दुआ से आशीर्वाद लेके सब अच्छा जाए, आराम से घर पहुँच जाऊँ, और कुछ अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना फैमिली के लिए करके आता हूँ। दोस्तों अच्छी तरह से दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ थी नहीं, और भगवान से प्रार्थना कर लिया मैंने सबके लिए, सबका विकास हो, शांति आए, ऐसी मनोकामना है। ये देखिए आप लोग भी ये वीडियो के माध्यम से मुक्तिनाथ जी के दर्शन कीजिए, और ये वीडियो पूरा भी देखना, भगवान आप पर भी कृपया दृष्टि रखेंगे। जैसे मैं बनारस से इतनी दूर आया बाइक से भगवान के दर्शन करने के लिए, तो जो पुण्य मुझे प्राप्त होगा मैं भगवान से ऐसी आशा करता हूँ वो पुण्य आपको प्राप्त हो। तो वीडियो देख के पूरा आनंद उठाइए और मुक्ति प्राप्त करिए। दोस्तों एक बार आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ मैं कैसा है, ये देखिए सामने मुक्तिनाथ भगवान, भगवान विष्णु जी जहाँ इनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी, और ये पूरा एरिया। तो आप ये वीडियो देखने से भगवान की परिक्रमा भी कर सकते हैं। दोस्तों ये दो ये तालाब है कुंड, एक पाप का एक पुण्य का है, उसमें एक बार डुबकी लगाना है, उसमें तीन बार डुबकी लगाना है, देख रहे। तो इसमें डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, या 108 गंगा 108 धारा निकल रही हैं उनका स्नान करने से भी मुक्ति प्राप्त होगी। तो मैंने उनका ही स्नान कर लिया, ये देखिए स्नान कर रहे हैं। मुक्तिनाथ के दर्शन करने के बाद तो पास में 100 मीटर की दूरी पर ही ये भगवान बौद्ध की मूर्ति भी है, एक बड़ा सा स्टैचू भी है, आप देखिए ये देखिए ये। तो इधर भी आके देख लूँ कैसा है, क्योंकि फिर तो मौका मिलता नहीं है। तो उसके बोर्ड में लिखा हुआ है समुद्र नेपाली में लिखा हुआ है भगवान विष्णु के बारे में कुछ। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। आपको पास से जाके दिखाता हूँ।
दोस्तों ऐसा व्यू है मस्त और बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों मुझे तो एकदम मस्त। अभी ठंडी शुरू हो गई तो मैंने तो जैकेट पहन ली। देखिए व्यू देखिए आप। तो ऐसा नजारा इधर मुक्तिनाथ धाम से, और दोस्तों इधर हेलीपैड भी है, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए वो हेलीपैड भी है, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी आते हैं, और एक मंदिर उधर भी है। तो देखता हूँ उधर जाके कितना दूर है, और इधर से ऐसा नज़ारा है। मुक्तिनाथ जी का मंदिर इधर है, इधर ये छोटे छोटे मंदिर हैं मुक्तिनाथ धाम में। तो बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों। जल्दी जाना है, बंद है दरवाजा। जो हो बोलना जो हो। इधर कुछ फैमिली आई है गुजरात से, तो आरती भी कर रहे हैं। जो हो बोलना जो हो बोलना, आरती करके जाएंगे। रात में इनका बस है तो बस से जाएंगे। मैं तो यहीं रुकूंगा रात में, क्योंकि मैं तो बाइक से आया हूँ, तो मैं जाऊँगा सुबह। तो अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ दोस्तों। इधर वो एक जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि उधर नदी के किनारे आपको सालिग्राम ही मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो। तो इधर सालिग्राम मिलता है, तो देखेंगे, राउंड मारता हूँ। सालिग्राम मिल गए तो अच्छा है, ले जाएंगे घर में, पूजा करने काम आ जाएगा। दोस्तों ऐसी कहावत है ये, ऐसा घर बनाने से तो आपको घर बन जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको, स्वर्ग में घर बन जाएगा। तो मैंने भी छोटा सा घर बना दिया। ये दोस्त तो एक घर बना दिया मैंने छोटा, एक और बना देता हूँ। तो दोस्तों मैंने भी ये दो घर बना दिए, एक अपने मम्मी पापा के लिए, भाई के लिए, और एक अपने लिए स्वर्ग में। तो ऐसी धारणा है अब घर बन जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप ये पृथ्वी लोक का घर छोड़ के सीधा स्वर्ग लोक में जाओगे, तो ऐसी धारणा है। तो मैं भी फॉलो कर लिया हूँ। ये मैंने व्यवस्था की है खाना बनाने के लिए। टोमेटो सूप बन रहा है, तो सूप खा के उसके बाद ओट्स बनाएंगे, मैगी बनाएंगे, उसको खाने के बाद आराम करूँगा मस्त। काफ़ी थक गया हूँ, बैग चला चला के एकदम हालत खस्ता हो गई है। तो जब तक सूप बन रहा है, इससे क्या है थोड़ी गर्माहट भी मिल रही है, बहुत ठंडी है इधर।